Thank you so
our principal ma'am to inspire us with her valuable work. Please, ma'am. ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है। मेरी कहानी ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। I wish you all students and teachers and parents happy Independence Day। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मौसम ठीक नहीं है, बस कुछ ही शब्द बोलेंगे आप लोग अपने प्यारे बच्चों से। जब मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखती हूँ तो मेरे दिल में बहुत खुशी होती है कि ये जो प्यारे बच्चे जो है ये हमारे देश के भविष्य हैं। और ये हम ये पढ़ लें जितने भी बच्चे हैं कि अपने देश की जो खुशबू है इसको कभी भी दिखाने ना दें। क्यों हम ये पढ़ ले सकते हैं ना बच्चों? मुझे यकीन है कि ये प्यारे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य, हमारे जो आने वाले भविष्य के प्यारे बच्चे, मुझे पूरी यकीन के साथ ये उम्मीद है और घमंड है कि ये बच्चे जो है आने वाले जो जो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। इन आई विश यू इंपॉर्टेंस डे। स्कूल परिवार की ओर से यहाँ पे आए हुए गेस्ट, एक्साइसेस के स्टूडेंट और सभी छात्र छात्राओं को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें खुशी होती है अपने देश के आजादी का ये 78वां वर्ष मनाते हुए, और ये उम्मीद हम करते हैं कि इस स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं इस स्कूल से जब पास आउट करके बाहर जाएंगे तो आजाद भारत में अपने सुनहरे भविष्य के लिए और उन्हें वो मुकाम हासिल होगा जो उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक देश की तरह, अगर हम जीडीपी की बात करें या फिर हमारे जो भी विकास की तरह जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या एक देश की तरह अगर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसकी बात करें, तो आपका सहयोग, आप बच्चों का सहयोग जो कल के भविष्य है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं इस आजादी के उपलक्ष्य में मौके पर बस एक चीज जो हमारे बापू जी, जो महात्मा गांधी जी भी बोला करते थे और आपके लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर देखा जाए पिछले अगर 10-15 साल की बात की जाए, आप लोग अब मोबाइल युग वाले हो गए हैं, क्योंकि हमारे जब हम पढ़ते थे तो मैं हमारे हाथों में मोबाइल नहीं होते थे। तो तीन चीजों का खासकर ख्याल रखिएगा। पहली तो ये कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये जो तीन चीजें हमें बापू जी ने बताई थी आज के संदर्भ में वो ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज के डेट पर अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया और भी बहुत तरह की चीजें जो बच्चों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग प्लस बेनिफिशियल दोनों साइड्स हैं उसके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी किसी तरह की एंगेजमेंट आप अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये भविष्य आप भविष्य जो 78वां होगा, 79 होगा, 80 होगा और फिर हम लोग 100 साल की तरफ भी बढ़ेंगे, बट आप ही मेन इसमें रोल अदा करोगे, रोल प्ले करोगे, बिकॉज आप भविष्य पीढ़ी हो। तो इसको ध्यान में रखिए, ये तीन चीजें जो बापू पहले भी बोले थे, जो जिन्होंने हमारे
हमारी आजादी के लिए लड़ाई किए हैं, उन्होंने बलिदान दिए हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। क्या आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ बच्चे? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है और आज के संदर्भ में उसको लागू करनी है। और आप ही भविष्य की पीढ़ी हो, और आजादी सही मायने में तभी हो पाएगी जब आप भी अच्छी तरीके से अपने देश को आगे ले जा पाओगे। और आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आपको भी आगे निभानी है। ये छोटी सी मेरे तरफ से जो भी बात मैं रख के यहीं पे अंत करना चाहूंगा। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू।
मनाए जाते हैं। हर त्योहार की अपनी खुशी और अपनी रौनक होती है। राम राम गंगा रानी।
What?
माता जी बहुत आदर से मार कहा जाएगा और अपने
अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का मौका देता है कि हम एक सतत समृद्ध और सुरक्षित भारत का निर्माण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रण लेते हैं कि हम एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा और जहां सब लोग एकजुट होकर देश के प्रति योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। भर लो पान जो शहीद हुए हैं उनकी जय रहे मेरे वतन के लोगों में भर लो पान जो शहीद हुए हैं उनकी जय रहे जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े हो जब तक थी सांस लड़े हो मेरी अपनी लाश बिछा दी घर कर माता सो भाई अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जराया कुर्बानी जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी ये गुल सीता हमारा हमारा जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा गुणपति में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुणपति में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो हमें वही है दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा परिपत्र हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का कुल संतरी हमारा कुल पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जिसके हजारों नदियाँ जोड़ने पेलती है जिसके हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से गुलशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा।